मुख्यमंत्री ने नशे के कारोबारियों को नेस्तनाबूद करने के दिए निर्देश। गंज बासौदा को अवैध नशे ड्रग्स की मंडी नहीं बनने दिया जाएगा, सीएम। नगर में 30 करोड़ की लागत से बनेगा 150 बेड का अस्पताल। मिनी स्मार्ट सिटी के समस्त कार्य होंगे निरस्त, मुख्यमंत्री। प्रस्तुत है गंज बासौदा से एल एन चौबे की एक रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने हेलीकॉप्टर द्वारा गंज बासौदा पहुंचे, जहां पर निजी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापसी के समय हेलीपैड पर मुख्यमंत्री ने मीडिया को संबोधित किया। नागरिकों की शिकायतों के बाद स्मार्ट सिटी के कार्यों को निरस्त करने एवं नशे के कारोबारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की बात कही। चार साल में इतना धीमा गति से काम चल रहा है, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आपकी योजना पे ऐसा पलीता लगा रहे हैं ये लोग, ये एक जगह कहीं स्मार्ट सिटी का काम देखेंगे, रास्ते में देखो कहाँ है, देख लीजिए सर, पूरे के पूरे टूट गए, तिरंगा चौक से लेकर बस स्टैंड तक। भाई साहब एक खेल मैदान से आराम करवा दो, नई मंडी जो अभी खाली हुई है पुरानी मंडी उसमें वो मैं देख है ना, वो आप देख रहे हैं कि जहाँ एक पॉइंट हुए और कितने काम हुए, कितने रह गए, मुझे पूरी सूचना। जहाँ पर खेल मैदान उपलब्ध ही नहीं है बच्चों के लिए, एसजीएस में करवा दो भाई, वार्ड नंबर 7 में सबसे अच्छा है। जी कॉलेज अब एक बार जो है उनके विचार करके अचानक अपन कहते हैं करवा दो, नहीं 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 देख के नहीं, ये जरूर आपकी सौगात है, ये जरूर देखना। चलते चलते और जो भी ड्रग माफिया है उनको नेस्त नाबूद कर दो, कोई भी हो वो किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। गंज बासौदा को ड्रग्स का या पूरे मध्य प्रदेश को हम कहीं नहीं बनने देंगे। मैं निर्देश देकर जा रहा हूँ कि इस काम में पूरी जांच करें और जो भी इस तरह के काम में कोई इन्वॉल्व है, कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।